गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास में लेसन आज अपन तीसरा शुरू कर रहे हैं ना, तीसरा लेसन। कल दूसरा लेसन पढ़ा था हमने स्वास्थ्य के बारे में, जिसको कंप्लीट कर लिया है। आज हमने तीसरा लेसन स्टार्ट किया है, जिसमें राज्य शासन कैसे काम करता है, अर्थात कोई भी राज्य होता है उस राज्य का जो शासन है। शासन का मतलब सीधा सीधा आप ये समझो कि उसका जो प्रशासन होता है वो कैसे काम करता है, अर्थात उसकी सरकार कैसे काम करती है और सरकार के जो विभाग होते हैं अलग अलग, वो विभाग कैसे काम करते हैं। अब सरकार के विभाग होते हैं, जैसे अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे गृह विभाग होता है, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग होता है, स्वास्थ्य विभाग जिसे अपन चिकित्सा विभाग कहते हैं, ठीक है। परिवहन विभाग कैसे काम करता है, ठीक है। तो अलग अलग जो विभाग है वो अलग अलग विभाग किस तरीके से काम करता है, और ये जो सरकार है इस सरकार का गठन भी कैसे किया जाएगा, है ना। और जो जैसे मंत्री होते हैं वो मंत्री किस तरीके से कार्य करेंगे, वो इस लेसन में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली चीज है कि जैसे सरकार होती है, तो सरकार के जैसे सरकार में जैसे चिकित्सक भी है, ये भी हमारे प्रशासन में ही है, चिकित्सक है, डॉक्टर, इसके अलावा अध्यापक, राजनेता, ठीक है। ये सभी हमारे सरकार के भाग है ना, तो सरकार के द्वारा ही इनको निर्देशित किया जाता है, और फिर ये हमारे लिए सेवाओं का सृजन करते हैं, सेवाएं हमें प्रदान करते हैं। अब सबसे पहले इस लेसन में आया है कि जो सरकार है, जैसे हमारे राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान, इस राजस्थान की जो सरकार है उस सरकार का स्वरूप क्या होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि सरकार का जो निर्माण है ना, वो जनता के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है, जो इस लेसन में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनता क्या करती है, सरकार का निर्माण करती है, और फिर जनता जो सरकार का निर्माण करती है, वो सरकार फिर जनता के लिए कार्य करती है, अर्थात नागरिकों के लिए कार्य कौन करता है, वो सरकार करती है। सरकार का जो प्रशासन होता है, अलग अलग जो विभाग होते हैं, वो अलग अलग विभाग फिर जनता के लिए कार्य करते हैं। अब देखो इसके बाद में, जो कोई भी व्यक्ति है वो व्यक्ति सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों के आधार पर कार्य करता है, अर्थात नियमों और कानूनों से कोई दूर नहीं है। अर्थात जो भी नियम और कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वो हमें पालन करने होंगे, अर्थात सरकार के द्वारा तो उनको लागू कर दिया जाता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उनका पालन करना पड़ेगा। अब देखो, जो सरकार होती है वो सरकार का जो प्रशासन है वो किस तरीके से कार्य करेगा, तो जैसे लोक कल्याणकारी योजनाएं होती है, लोक कल्याणकारी योजनाएं। अब ये जो लोक कल्याणकारी योजनाएं होती है, ये लोक कल्याणकारी योजनाएं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समुदाय के लिए चलाई जाती है, अर्थात इसमें सभी के हित सम्मिलित होते हैं, सभी के हित सम्मिलित होते हैं। सभी के हित क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, अर्थात सभी जो लोग हैं उन सभी लोगों का जो हित है वो इसमें साध्य होता है। अर्थात ऐसा नहीं है जैसे सरकार का जो प्रशासन है, उस सरकार के प्रशासन ने कोई रूपरेखा बनाई और उस रूपरेखा के माध्यम से उन्होंने कोई योजना लागू कर दी, और वो योजना कौन सी थी, लोक कल्याणकारी योजना थी, या लोक कल्याण की योजना थी। अब हम कहें भाई जो लोक कल्याणकारी योजना है, इस लोक कल्याणकारी योजना में किसी एक ही व्यक्ति का फायदा हो और का नहीं हो, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं ना, वो योजनाएं तो चलाई किसके लिए जाती है, पूरे समुदाय के लिए, सभी लोगों के लिए चलाई जाती है। सभी लोगों के लिए चलाई जाएगी तो क्या होगा, उसका जो लाभ है वो सभी व्यक्तियों के लिए होगा। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप ये योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जांच योजना, एक योजना है ये, ठीक है, एक योजना का नाम है ये, और ये योजना हमारे राजस्थान के द्वारा चलाई गई है, राजस्थान सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। जो पिछला कार्यकाल था उनका, उसमें ये योजना चलाई गई थी, जिसका नाम था मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जाँच योजना, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि
ये लोक कल्याणकारी योजना सरकार की, अर्थात इस योजना का फायदा एक व्यक्ति को नहीं होता बल्कि पूरे राजस्थान को हो रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलाज किसी विशेष व्यक्ति के लिए होगा वही एक आम आदमी के लिए होगा। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में जो इलाज है वो सभी का समान रूप से किया जाएगा, समान रूप से किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात जांच फ्री है तो फ्री करनी पड़ेगी, दवा फ्री है तो दवा फ्री उनको देनी पड़ेगी। ठीक है, एक 10 रुपये की पर्ची कटाते हैं हम, अपना नाम लिखवाते हैं और उसके बाद में अपना इलाज हम सरकारी हॉस्पिटल में करा सकते हैं। तो ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है योजना, बल्कि पूरे समुदाय के लिए, संपूर्ण समुदाय के लिए योजना चलाई जाती है, जो किसका काम है, हमारे राज्य के प्रशासन का काम है। अर्थात राज्य का जो प्रशासन है वो जो ये जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लागू करके इस तरीके से कार्य करवाने के लिए निर्देशित करता है। ठीक है, और जो फिर अलग अलग विभाग है वो विभाग उनके लिए कार्य करते हैं। जैसे शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग को सरकार निर्देशित करेगी तो शिक्षा विभाग कार्य करेगा, स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करेगी तो स्वास्थ्य विभाग उसके क्षेत्र में कार्य करेगा। अलग अलग क्षेत्र बना दिए और अलग अलग क्षेत्रों में फिर वो कार्य होंगे। ठीक है, सिंपल। अब देखो इसके बाद में जो सरकार है उस सरकार का हम गठन कर रहे हैं तो आप जानते हो कि जनता क्या करती है, जनता के पास में एक शक्ति है जिसका नाम है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, और वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या करती है, अपने वोट का उपयोग करती है और वोट देकर अपने प्रतिनिधि का क्या कर लेती है, चुनाव कर लेती है और चुनाव करके फिर वो सत्ता में आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे राज्य में प्रतिनिधि होते हैं हमारे, हमारे राज्य में प्रतिनिधि जिनको अपन बोलते हैं विधायक। ठीक है, और इसको इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं MLA, अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये हमारे सरकार के प्रतिनिधि हैं जो हमारे द्वारा चुने गए हैं और ये सरकार को चलाने का कार्य करते हैं। अब देखो ये जो MLA है ना, ये MLA क्या होते हैं कि जैसे एक विधानसभा क्षेत्र होता है, एक विधानसभा क्षेत्र होता है, पूरा राज्य होता है, उस पूरे राज्य की जो विधानसभाएं, विधानसभा होती है ना, उस विधानसभा को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, और तुम्हारी किताब में जो केरल का, उसका हिमाचल प्रदेश का आया, उसमें 68 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो हमारे राजस्थान की बात करें तो 200 जो विधानसभा क्षेत्र है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में से एक सदस्य का चुनाव होगा, प्रत्येक में से एक का चुनाव होगा। तो 200 विधानसभा क्षेत्र है तो 200 विधानसभा क्षेत्र में से कितने विधायक चुने जाएंगे, 200 चुने जाएंगे ना। तो हमारे जो राजस्थान की जो विधानसभा है इसमें कितने सदस्य हैं, कुल 200 सदस्य। कितने विधानसभा क्षेत्र है, 200 में से एक एक सदस्य का चुनाव होगा और इस तरीके से 200 विधान जो विधायक है उनका चुनाव कर लिया जाएगा। ये विधायक क्या करेंगे, सरकार का निर्माण करेंगे, ये क्या करेंगे, सरकार का गठन करेंगे, सरकार का निर्माण करेंगे। और सरकार का गठन या निर्माण करके ये क्या करते हैं, फिर सरकार को संचालित करते हैं, हमारे प्रशासन को संचालित करते हैं। ओके, आगे का जो हम है वो कल पढ़ेंगे, ठीक है ना।